भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को कई जगहों पर मुक्ताभरण व्रत भी कहा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत सभी माएं अपने संतान की लंबी आयु एवं मंगल कामना के लिए करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से निःसंतान महिलाओं को कार्तिकेय और श्री गणेश जैसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान प्राप्त है उन्हें लंबी आयु एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी के व्रत वाले दिन माताएं सुबह स्नान कर भगवान शिव और मां पार्वती के समक्ष व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन कर प्रसाद तैयार करें। इसके लिए खीर पूड़ी व गुड़ के साथ पुए या फिर साथ मीठी पूड़ी भोग के लिए बनाना उत्तम माना गया है। इस व्रत की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौकी बनाएं, उस पर चौकी रखें और शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। अब आरती की थाली तैयार कर लें जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रखें। भगवान के समक्ष दीपक जलाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें नैवेद्य रूप में साथ मीठी पूड़ियां या फिर गुड़ के पुए या पूड़ी खीर जो भी आपने प्रसाद रूप में तैयार किया है वो समर्पित करें। साथ ही संतान की रक्षा और उन्नति के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। इस कलावे को माताएं भगवान शिव के प्रसाद के रूप में पूजन के पश्चात स्वयं धारण करें। पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में जरूर पहननी चाहिए। यह व्रत माता और पिता दोनों के द्वारा किया जा सकता है। विधिवत पूजन करने के पश्चात संतान सप्तमी की कथा का पठन या श्रवण करें। कथा सुनने से पूर्व भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करें, हाथ में पुष्प लें और ओम नमः शिवाय ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जप करते हुए भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम नमः शिवाय ओम उमा महेश्वराय नमः। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव का पूजन किया है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि हम जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः
मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में दाह पैदा हो गया। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हो सका। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धक्का दे दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात का स्मरण है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो रानी, पूर्व जन्म में तुम राजा महोश की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई है, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ता भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति एवं संतान की रक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत करने का प्रचलन हुआ। भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। ओम उमा महेश्वराय नमः।